हेलो स्टूडेंट्स, साइटोलॉजी में बेसिक सेल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे, जिसमें प्रीवियस वीडियो में अपन ने दो सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी की थी। तो गोल्जी बॉडीज एंड सेकंड किया था लाइसोसोम। ठीक है, तो एक सेल की बेसिक स्ट्रक्चर में मेन मेन सेल ऑर्गेनेल्स की अपन ने स्टडी कर ली है। अब इसके बाद में सेल का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बोल सकते हैं, जिसे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं बोल करके मैं कंपोनेंट वर्ड बोलूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जिसके थ्रू पूरी सेल के ऊपर कंट्रोल रहता है, पूरी सेल के ऊपर कंट्रोल जो होता है उस कंपोनेंट का, उसकी स्टडी करेंगे। और वो कंपोनेंट है अपना न्यूक्लियस। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल का, उसकी स्टडी करेंगे, वो है न्यूक्लियस। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा न्यूक्लियस। थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये, तो एक दो वीडियो के अंदर पूरा होगा। तो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, कई इसमें अपने वीडियो में इसमें डालूंगा। तो न्यूक्लियस की अगर अपन स्टडी करते हैं, तो सबसे पहली बात तो अपन बात करते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल का। पोजीशन की बात करते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो एक बेसिक एनिमल सेल की स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के बताई थी कि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है उसकी पोजीशन बिल्कुल सेंट्रल होती है। बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन में न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन सब्सटेंस या न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन क्रोमोसोम से डीएनए, आरएनए ये सब बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसके चारों तरफ। ठीक है, तो एनिमल सेल के अंदर तो सेंट्रल पोजीशन है, मगर प्लांट सेल की अगर बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर ड्यू टू द सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट हो जाती है बीच में, जिसके कारण से न्यूक्लियस जो होता है पेरिफ्रल पोजीशन में आ जाता है, यानी थोड़ा सा बिल्कुल बीच में नहीं होकर के साइड में किसका हुआ रहता है। ये पोजीशन की बात करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं डिस्कवरी की, वो डिस्कवर न्यूक्लियस। तो डिस्कवरी की बात करते हैं, तो एक साइंटिस्ट का नेम आपको ध्यान में रखना है, रॉबर्ट ब्राउन नेम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और इसको कैरियन नेम दिया था। नेम दिया था इसका कैरियन। आपको बताया था ना प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में आपको मैंने कैरियन का मीनिंग बताया था। कैरियन का एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग न्यूक्लियस ही होता है। आर्किड प्लांट जो होता है उसकी रूट के अंदर सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके इसका नाम कैरियन नाम दिया था। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो इन प्रोकैरियोट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स या फिर अपन बैक्टीरियल सेल भी बोल सकते हैं, कि ऑल बैक्टीरिया हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स। बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, तो उनमें जो न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब ये जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम अपन जो भी बोलते हैं, जिसको चारों तरफ से अपन ने एक मेम्ब्रेन से कवर्ड किया है, फिर इसका नाम दिया है न्यूक्लियस। मगर प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियर मटेरियल यानी क्रोमोसोम्स वगैरह ये तो है, मगर चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको न्यूक्लियस नहीं कहकर के अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। बात समझ में आई है। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जबकि न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। यूकैरियोटिक सेल्स में तो मेनली हिस्टोन प्रोटीन होती है, प्लस साथ में कुछ क्वांटिटी के अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। ये नाम नए नहीं है, मैंने आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स की डिफरेंस की जो टेबल दी थी उसमें आपको मैंने ये सभी नेम्स वहाँ पर भी डिस्क्राइब किए थे, स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर स्टोन और नॉन स्टोन दोनों प्रोटीन जो होती है प्रेजेंट होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसमें स्टोन प्रोटीन नहीं होती है, केवल नॉन स्टोन प्रोटीन होती है। यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन जो है ना उसका नाम हिस्टोन प्रोटीन, आपको ध्यान में रखना। ये स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन जो है ये केवल न्यूक्लियस में पाई जाने वाली प्रोटीन के लिए यूज होता है। इसके बाद में मैं आपको एक अलग से एक फॉर्मूला जो एक साइंटिस्ट ने दिया था उसके बारे में डिस्कशन करते हैं अपन। देखो एक सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, कि कितना स्पेस अंदर से कवर कर रहा है ये, जैसे इतना स्पेस ले लिया इसने एक सेल का कंप्लीट वॉल्यूम में से न्यूक्लियस ने कितना वॉल्यूम कवर किया है, और उसके बाद में बचा हुआ वॉल्यूम जो है ये वाला एरिया होता है साइटोप्लाज्म। तो ये तो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम हो गया और ये न्यूक्लियस का वॉल्यूम हो गया, तो दो वॉल्यूम हो गए, दो इसके अंदर वॉल्यूम हो गए, न्यूक्लियस का वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम। इन दोनों वॉल्यूम के बीच में एक पर्टिकुलर रेशियो
पाया जाता है, दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर रेशियो होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स? रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, या न्यूक्लियोप्लाज्म कह दो, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है, दोनों का जो रेशियो होता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। शॉर्ट में न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स को अपन एन, नीचे की तरफ छोटा पी, एन पी भी कहते हैं। इस एन पी को निकालने के लिए एक साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया था जिसका नेम है हर्टविंग। हर्टविंग ने न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स को किस टाइप से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया था। ये फॉर्मूला क्या है ये आपको ध्यान में रखना है कि NP को निकालने के लिए NP इज इक्वल टू NV अपॉन CV माइनस NV। ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स को निकालने के लिए हर्टविंग ने फॉर्मूला दिया था। अब इनका क्या मीनिंग होता है, देखो NP का तो मीनिंग आपको बताया मैंने अभी, न्यूक्लियो प्लाज्मिक इंडेक्स। एन वी का मतलब वॉल्यूम, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, एन का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, और सी वी इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम। अब कैसे कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आपने सिलेबस के अंदर है तो ये केवल फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है तो अपन को एन वी और सी वी की दोनों की वैल्यू दी हुई रहेगी। तो एन वी यानी न्यूक्लियस का वॉल्यूम अपने पास दिया हुआ रहेगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम अपन को दिया हुआ रहेगा, साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम में से न्यूक्लियस का वॉल्यूम को माइनस करके और दोनों का डिवाइडेशन कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स का वैल्यू जो होती है वो वैल्यू अपने पास आ जाएगी। क्लियर? ये हर्टविंग ने न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में बताया था। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस का केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, यानी कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट है जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो मेनली न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन। देखो दो वर्ड्स एक साथ मैंने ऐड कर दिए न्यूक्लियो प्रोटीन में, यानी एक तो हो गया इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और एक हो गया है प्रोटीन, यानी एक तो न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड और एक हो गई है प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है वो कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल दो टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। सबने नाम सुन रखा होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, प्रोटीन जो होती है न्यूक्लियस में कौन सी प्रेजेंट होती है, अभी आपको मैंने बताई थी, मेनली तो होती है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन या जिसको अपन नॉन हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन दोनों के साथ में डीएनए आरएनए जब आपस में जुड़ जाते हैं तो बन जाता है न्यूक्लियो प्रोटीन। और इस न्यूक्लियो प्रोटीन को ही आगे चल करके अपन कई अलग नाम देंगे, क्रोमेटीन, यही आगे चल करके क्रोमेटीन बनाता है। और क्रोमेटीन ही आगे चल करके क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है, जो वर्ड आपने बार बार में सुन रखा है। क्रोमेटीन क्रोमोसोम्स के रूप में कब दिखाई देते हैं वो भी अपन आगे डिस्कशन करेंगे। तो बात समझ में आ गई, न्यूक्लियो प्रोटीन जो है वही क्रोमेटीन है, उसी को क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन में दो चीज़ें हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है। ये कौन कौन से होते हैं? डीएनए आरएनए और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये मेन चीज़ें होती है न्यूक्लियस के अंदर। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ,
जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ध्यान में आपको रखना है कि अपन डायग्राम बनाते हैं तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सिंगल लेयर की मेम्ब्रेन बनाते हैं। एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो डबल लेयर्ड होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की स्टडी की थी ना अपन ने, दो मेम्ब्रेन होती है आउटर और इनर मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी डबल होती है। ऐसे अपन सिंगल बनाते हैं वैसे, मगर होती इसके अंदर ऐसे दो है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, यानी न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन एक सेल का कंपोनेंट होता है। अब दोनों मेम्ब्रेन को कंटिन्यूस नहीं बनाकर के बीच बीच में कुछ स्पेस बनाए मैंने, एक्चुअल में ये स्पेस जो होते हैं ना ये न्यूक्लियर पोर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में वो छोटे छोटे पोर यानी छिद्र प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियर पोर होते हैं जिनके थ्रू एक सेल में न्यूक्लियस होता है, उनके थ्रू न्यूक्लियस के अंदर के कुछ कंपोनेंट बाहर आते हैं और बाहर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर के कुछ कंपोनेंट अंदर भी जा सकते हैं। तो इनका एक्सचेंज होने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर माइक्रो पोर प्रेजेंट होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये तो हो गई चारों तरफ की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें ये पोर हो गए जगह जगह पर, और अंदर की तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड जैसी बिल्कुल धागे जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और साथ में अलग से एक राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर अलग से नजर आती है डार्क कलर की, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना एक्चुअल में ये होती है क्रोमेटिन, इसी को ही क्रोमेटिन कहते हैं अपन। क्रोमेटिन के अंदर अगर अपन इसको स्ट्रेन करते हैं, इसको कलर से अपन इसको कलर्ड कर लेते हैं, किसी कलर से इसको स्टेन कर लेते हैं, तो स्टेन करने के बाद में इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये क्रोमेटिन के जो फाइबर है ना जो थ्रेड धागे से हैं उनमें कुछ जगह पर डार्क कलर के स्पॉट नजर आते हैं, यानी क्रोमेटिन कुछ जगह पर तो डार्क कलर को ऑब्जर्व करती है और कुछ जगह ऐसी होती है जिन पर लाइट कलर को ऑब्जर्व करती है। तो क्रोमेटिन के आगे चल करके दो टाइप हो जाते हैं, जो डार्क कलर की क्रोमेटिन है उसको तो बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, और जो लाइट कलर की क्रोमेटिन है उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। इनको भी आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था हेटेरो और यूक्रोमेटिन में कि जेनेटिकली एक्टिव कौन सी होती है, जो जेनेटिकली रूप से एक्टिव क्रोमेटिन है वो कौन सी होती है, वो यूक्रोमेटिन होती है, आगे डिस्कशन करेंगे अपन। और जो अलग से राउंड शेप स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोलस, याद आ रहा होगा आपको बताया था मैंने प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक सेल्स की डिफरेंस में कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस अब्सेंट होती है जबकि यूकेरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर अंदर प्रेजेंट होती है वो हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और चारों तरफ की ये जो मेम्ब्रेन है ये कहलाती है अपनी न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये बीच बीच में जो पोर हैं इनको बोलते हैं अपन न्यूक्लियर पोर। ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होती है, अब कंप्लीट नहीं हुई है, अभी डिटेल से स्टडी और करनी है अपन को, सिर्फ एक डायग्राम बना करके आपको न्यूक्लियस के बारे में बेसिक चीज़ें बताई है, स्ट्रक्चर की अपन स्ट्रक्चर के अंदर आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में अंदर वाले सभी कंपोनेंट के बारे में डिटेल से स्टडी अपन करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को अपन आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।